छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपक भदौरिया। रुक करते हैं खबरों की ओर। रायगढ़ में स्वराज एक्सप्रेस ने मेधावी रत्न सम्मान समारोह का आयोजन हो रहा है, जिसमें बोर्ड परीक्षा के मेधावी बच्चों का सम्मान किया जा रहा है। स्कूली छात्र छात्राएं जिन्होंने 10वीं और 12वीं में 90% अंक से जो है प्राप्त किए हैं उससे अधिक, और उनका चयन प्रक्रिया द्वारा ये किया गया। रायगढ़ के अंश होटल में चले कार्यक्रम में उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल भी मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद हैं, और साथ ही कलेक्टर यशवंत कुमार और एसपी राजेश अग्रवाल भी मौजूद हैं। साथ ही स्वराज एक्सप्रेस छत्तीसगढ़ और लल्लूराम.com के चेयरमैन नमित जैन, संपादक मनोज सिंह बघेल, सेल्स हेड अमित शिंदे भी कार्यक्रम में मौजूद। सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें हम आपको रायगढ़ से दिखा रहे हैं, जहां पर जो भी मेधावी छात्र छात्राएं थे उन्हें यहां सम्मानित किया जा रहा है। 10वीं और 12वीं में 90% से ज्यादा अंक हासिल करने वाले छात्र छात्राओं को सम्मानित किया जा रहा है। और आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल भी मौजूद हैं, और साथ ही साथ कलेक्टर यशवंत कुमार, एसपी राजेश अग्रवाल भी मौजूद। साथ ही स्वराज एक्सप्रेस छत्तीसगढ़ और लल्लूराम.com के चेयरमैन नमित जैन, संपादक मनोज सिंह बघेल और सेल्स हेड अमित शिंदे भी कार्यक्रम में मौजूद। और ये तस्वीर में आप देख सकते हैं जो आए हुए अतिथि हुआ सम्मान हो रहा है। मुख्य अतिथि के तौर पर शिक्षा मंत्री भी मौजूद हैं उमेश पटेल जी। और ये सीधी तस्वीर है। जो मेधावी छात्र छात्राएं हैं उन्हें प्रोत्साहन करने के लिए ये सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। रायगढ़ से ये सीधी तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं मेधावी रत्न सम्मान समारोह की, जहां प्रतिभाशाली बच्चों को सम्मानित करने के लिए, उनका उत्साह वर्धन करने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। वो परिजन का बड़ा योगदान होता है। कोई भी बाग हम जाते हैं उसमें देखते हैं कि ये कितने सुंदर सुंदर पुष्प हैं, कितनी सुंदर इसकी खुशबू है, तो उसके लिए बाग का माली भी उतना ही उत्तरदायी होता है। आप लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन। संजय अग्रवाल जी, आदरणीय मंत्री जी, मैं सभी पेरेंट्स से निवेदन करना चाहता हूँ, यदि 12th के बाद कोई भी बच्चा कोई चीज नहीं होती है, और आपने आज ये घोषणा की है, जोरदार तालियों के साथ संजय जी का अभिनंदन करते हैं। और काफी समय से हम इंतजार कर रहे हैं अपने लाडले आपके का, कि किस तरीके से वो अपने छत्तीसगढ़ को लेते हैं। छत्तीसगढ़ टॉपर है निशा पटेल जी है, जोरदार तालियां होनी चाहिए निशा के लिए। ऐसी गड़गड़ाहट होनी चाहिए कि पूरा प्रदेश जान जाए कि निशा ने क्या रोशनी की है। पूरे प्रदेश में इन्होंने तीसरा जो है स्थिति जो दर्ज की है, वास्तव में पूरे प्रदेश के लिए गौरव की बात है, रायगढ़ के लिए गौरव की बात है। इस प्रतिभाशाली छात्रा ने जिस तरीके से रायगढ़ का नाम पूरे प्रदेश में रोशन किया है, हम उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं, अपेक्षा करते हैं कि निशा की रोशनी से पूरा प्रदेश और पूरा देश जगमगाएगा।
मैं ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, साथ में जिले के हमारे जिला अध्यक्ष महोदय आदरणीय यशवंत कुमार जी, हमारे एसपी साहब आदरणीय अग्रवाल जी, हमारे नितिन जैन जी और आदरणीय अग्रवाल जी, रामदास अग्रवाल जी, सभी उपस्थित आदरणीय मंचस्थ, स्वराज और लल्लू राम से जुड़े सभी साथीगण, पत्रकारगण और जो छात्र छात्राएं जिन्होंने आज जिनको सम्मानित किया गया है अपने प्रदर्शन, जिनका प्रदर्शन बहुत ही उच्च कोटि का था, जिन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, उन सबको बहुत बहुत बधाई। और जैसे कि आप बता रहे थे कि रायगढ़ जिला बाकी सभी जिलों से थोड़ा ज्यादा बेहतर है एजुकेशन के मामले में, लेकिन शायद जब हम लोग पढ़ते थे तो हम लोगों के समय में फर्स्ट डिवीजन, सेकेंड डिवीजन और थर्ड डिवीजन की बात हो सकती थी, और जो जो व्यक्ति फर्स्ट डिवीजन में पास हो जाता था उसके घर पे लोग देखने जाते थे उसको कि फर्स्ट डिवीजन में पास हुआ है। आजकल 60% वाले को शायद उतना महत्व नहीं है, क्योंकि अब सभी 90 और 95 की बात करते हैं। शायद हम लोगों के समय में परिकल्पना करना भी मुश्किल था कि किसी का 90% भी आ सकता है, लेकिन जिस तरह से इवॉल्व हो रहा है, जिस तरह से आजकल पेरेंट्स अपने बच्चों के पढ़ाई में, उनके होमवर्क में जिस तरह से इन्वॉल्व हो रहे हैं, उससे जरूर इससे बेहतरी की ओर हम लोग जा रहे हैं। और रायगढ़ जिला शुरू से ही, खासकर पिछले 10-12 साल में इसमें एक परिवर्तन आया है रायगढ़ जिले में। रायगढ़ जिले के किसी भी पेरेंट्स से अगर आप बात करेंगे तो उसकी पहली प्राथमिकता आज के दिन में उसके बच्चे को पढ़ाई को लेकर हो गया है। और ये जो परिवर्तन है, ये जो परसेंट में जितना अंतर आ रहा है, मुझे लगता है कि जितने काबिल के तारीफ है बच्चे, मुझे लगता है उनके माता पिता भी उतने ही काबिल के तारीफ है। मैं उनको भी बहुत बहुत बधाई दूंगा कि उनके मेहनत भी कहीं ना कहीं पीछे छुपी हुई है, इसी कारण से वो यहाँ आ गए हैं। बाकी हम लोगों की यही कोशिश है कि हर स्कूल के बच्चों को सभी सुविधा मिल सके। अभी कलेक्टर महोदय भी हैं, हम लोगों ने ये कोशिश और ये योजना बनाई है कि आने वाले समय में हर स्कूल में या जो स्कूल जिसमें संख्या है, जिसमें बच्चों की संख्या है, चाहे सरकारी स्कूल है चाहे आंगनबाड़ी हो, उसमें साफ पानी की व्यवस्था हो सके। अभी रोटरी क्लब के तत्वावधान में 3-4 स्कूल में हम लोगों ने करवाए हैं, और इसी तरह से हम लोग सारे स्कूल में हर बच्चे को स्कूल के समय में शुद्ध पानी मिल सके, इसकी व्यवस्था हम लोग करने जा रहे हैं। इस तरह के और कई कार्यक्रम है जिनको शिक्षा को सुधार के लिए किया जा रहा है। बाकी आप सबको बहुत बहुत बधाई, स्वराज की बहुत बहुत बधाई, और सभी उपस्थित पेरेंट्स, स्टूडेंट, सभी पत्रकार बंधुओं को बहुत बहुत बधाई देते हुए अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। और आपको बता दें कि ये सभी मेधावी जिनके 90% से ज्यादा अंक होने चाहिए, उनके लिए सम्मान समारोह। और इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल भी मौजूद हैं, साथ ही साथ कलेक्टर और एसपी भी मौजूद। सभी प्रतिभाशाली बच्चों का उत्साहवर्धन करने के लिए ये मेधावी रत्न समारोह का यह प्रोग्राम किया जा रहा है, ये समारोह किया जा रहा है। प्रिंट मीडिया पार्टनर सैनिक किरण दूत से पधारे अतिथि। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस को